डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ना। तो चलिए लिखते हैं फर्स्ट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि जब कभी भी कोई एक सब्सटेंस जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव रहता है, वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या करता है, हटा करके डिस्प्लेस करके उसके जगह पे चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो भी मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होगा वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसके प्लेस पर पे चला जाता है वो। ठीक है, तो लिखेंगे द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव सब्सटेंस डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड लेस रिएक्टिव सब्सटेंस दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरह के जो भी रिएक्शन होंगे उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। रिएक्टिव मोर रिएक्टिव सब्सटेंस क्या है? मोर रिएक्टिव सब्सटेंस में हमारे पोटेशियम, सोडियम, जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब जो है मोर रिएक्टिव सब्सटेंस है, जो कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे शो होगा अभी थोड़ा देर में, तो देख लीजिएगा उसमें मोर रिएक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से हैं। अगर वो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन में भाग ले रहा है, तो वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास अगर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें अगर हम जिंक डाल दिए तो ZN जो है वो SO4 के साथ चला जाएगा। ठीक है, जिंक को हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ मिला लेते हैं तो क्या होगा, देखिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और इसके साथ ZN को मिला दिए तो जिंक जो है वो SO4 को अपने पास लेकर के आ जाएगा। इसके साथ रिएक्टिव है क्योंकि जिंक जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। ये जो कॉपर का कलर यहाँ पे था, यहाँ पे ब्लू कलर था और यहाँ जिंक के साथ आने के बाद इसके पास कलरलेस हो गया, इसके पास कोई कलर नहीं बचा। तो इस तरह से रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि यहाँ से सल्फेट जो है जिंक के साथ चला गया है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, मोर रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका एक और एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं। जब हमारा फेरिक के साथ होता है रिएक्शन सल्फेट का, इसका हम लोग एक और रिएक्शन देख लेते हैं कॉपर सल्फेट का फेरिक के साथ। कॉपर सल्फेट को ही हम लोग फेरिक मतलब आयरन के साथ करते हैं, आयरन भी मोर रिएक्टिव है तो इसके साथ SO4 आ जाएगा, तो हो जाएगा FeSO4 प्लस जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ भी देखें कि कॉपर के साथ जो सल्फेट था वो आयरन के साथ आ गया, तो इस तरह के जो भी रिएक्शन होंगे उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होगा, एक सब्सटेंस जो है जो भी मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को अपने तरफ डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। यहाँ देखिए सल्फेट था और ये मोर जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सल्फेट को अपने साथ लेकर के आ गया और कॉपर अलग हो गया। ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो चलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों सब्सटेंस जो है रिएक्शन में डिस्प्लेस हो जाते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं,
ठीक है, और एक्सचेंज करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इसमें जो दो सब्सटेंस है दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे द रिएक्शन इन विच बोथ सब्सटेंस एक्सचेंज द एलिमेंट्स ठीक है टू फॉर्म अनदर कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दोनों ही सब्सटेंस जो है वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम एक देखेंगे सिल्वर क्लोराइड का सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl, और इसको सोडियम नाइट्रेट NO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, AgNO3 बन जाता है और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है, AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से क्लोराइड इसके साथ डिस्प्लेस हो गया और यहाँ पे आ गया हमारा NO3। तो इस तरह से नया सब्सटेंस बना। ये AgNO3 जो है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, वाइट कलर का ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इस तरह के रिएक्शन में। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो सोडियम क्लोराइड था वो सिल्वर क्लोराइड वो सोडियम नाइट्रेट के साथ, ये सिल्वर क्लोराइड है इसको याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड ये सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन किया और नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर दिया गया। नाइट्रेट जो है आ गया किसके साथ, Ag के साथ, यहाँ पे सिल्वर के साथ, और ये एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है जो बॉटम में रह जाता है और NaCl एक्वस फॉर्म में मिलता है। तो ये पूरा जो हमारा एक इक्वेशन हुआ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हुआ। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सोडियम सल्फेट का BaCl2 के साथ। सोडियम सल्फेट का NaSO4, इसका तो 2 होता है, Na2SO4 BaSO4 के साथ, सॉरी बेरियम क्लोराइड के साथ देख लेते हैं हम लोग BaCl2। यहाँ से देखिए क्या होगा कि जो बेरियम है इसके साथ सल्फेट आ जाएगा तो BaSO4 बना देगा प्लस सोडियम और क्लोराइड यहाँ पे अलग आ जाएगा NaCl। इसको बैलेंस्ड कर देंगे, सोडियम 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए बेरियम एक सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4, सोडियम 2 और क्लोरीन 2। तो इस तरह से ये रिएक्शन बना हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट, इसको बोलेंगे बेरियम क्लोराइड, और ये है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें एक सब्सटेंस जो दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के एक्सचेंज कर लेते हैं जो भी दूसरे के, और खासकर देखोगे आप लोग तो ये पॉजिटिव मतलब ये मेटल है और जो नॉन मेटल सब्सटेंस है उसको ये एक्सचेंज कर रहे हैं। तो एक्सचेंज करने का काम नॉन मेटल ही सब्सटेंस करेगा क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव सब्सटेंस ही मूव कर सकता है, तो इसलिए ये यहाँ आया और ये सब्सटेंस यहाँ गया। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो हो रहा है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। तो इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए। अभी हम लोगों ने इसके कुछ एग्जांपल देखे, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं बुक में जिसको आपको पढ़ना होगा। तो चलिए इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। कहीं भी अगर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मीन्स जहाँ भी ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है वहाँ पे समझिए, या फिर जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होगा क्या, एक सब्सटेंस ऐड होगा डेट इज ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा। इसके कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड नहीं यहाँ पे और कर लीजिए, दोनों में से एक भी है अगर तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि उस जगह पे जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। जैसे ये कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड किए CO2 फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। कॉपर में ऑक्सीजन को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो यहाँ भी जो बना हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये भी एक रिएक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे 2 नहीं होगा, CuOH होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक रिएक्शन शो कर रहा है, सिर्फ कॉपर था तो ऑक्सीजन 2 है तो 2 कर दिए, CuO2 2CuO होगा, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है ये भी जो है हमारा एक एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अब नेक्स्ट है रिडक्शन का। रिडक्शन क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम हाइड्रोजन को जो है इसमें ऐड करेंगे और रिमूव करेंगे किसको, ऑक्सीजन को। इसमें देखिए यहाँ पे हम क्या हो रहा है कि H2O, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, यहाँ से देखिए ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, और इसमें आप देखोगे कि ऑक्सीजन को रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन को इसमें ऐड किए हैं, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास 2 रिएक्शन थे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब हम अगला पढ़ेंगे कोरोजन के बारे में, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कोरोजन। चलिए कोरोजन के बारे में पढ़ते हैं कि कोरोजन क्या होता है। जब भी एयर के साथ आयरन का रिएक्शन होता है तो उसके ऊपर एक लेयर पड़ जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं जो है कोरोजन। जब भी मॉइस्चर या फिर एयर से रिएक्शन होता है आयरन का या और भी मेटल का, द रिएक्शन विथ मॉइस्चर एंड वाटर एंड एयर to form a layer on metal is called corrosion। इसको हम लोग बोलेंगे corrosion। ठीक है, तो क्या होता है, ये आयरन पे जब भी ये फॉर्म हो सकता है, ये कॉपर पे फॉर्म होता है तो कॉपर को ब्लू कलर में थोड़ा ग्रीनिश कलर में चेंज कर देता है, तो ये हुआ कोरोजन। इससे कैसे बचा जाता है, तो उसके मेथड्स हम लोग लिख सकते हैं
कि इससे कैसे प्रिकॉशंस क्या है, क्रोजन से क्लोराइड होने से किसी भी मेटल को कैसे बचाया जा सकता है। तो बहुत सारे मेथड हैं, जैसे पॉलिशिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। तो मेथड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, क्या क्या मेथड्स है कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, या तो हम पेंटिंग करते हैं, दूसरा या फिर उस पर वाइलिंग या ग्रीसिंग भी कर सकते हैं, ग्रीसिंग या फिर वाइलिंग ही लिख देते हैं, चलिए वाइलिंग, या फिर इसको कर सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक दूसरा मेटल का उस पर परत चढ़ा देना, डैट इज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें दो रड डालते हैं, एक रड से धीरे धीरे जब करंट उसमें सप्लाई होता है तो यहाँ से इसके लेयर हटते जाते हैं और इस पर डिपॉजिट होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग से भी हम बचा सकते हैं कोरोजन से। तो ये सब मेथड्स हैं किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी सब्सटेंस को कोरोजन से बचाने का। अगला है हमारा जो टॉपिक है वो है रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जब भी फूड जो है वो क्या होता है, एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके उसमें स्मेल आने लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो चलिए रेंसिडिटी के बारे में हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या होता है, जो फूड है वो ख़राब हो जाता है, वो रिएक्ट हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी मॉइस्चर है और एयर है उससे, उसके कारण फूड में एक स्मेल आना शुरू हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो लिखेंगे ड्यू टू मॉइस्चर एंड एयर the food get spoiled, this is due to reaction with fat and while due to फैट और वाइल के रिएक्शन के कारण फूड जो है स्पॉइल हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। ये फैट और वाइल किससे रिएक्ट करते हैं, या तो मॉइस्चर से या एयर से रिएक्ट कर जाते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इसके कारण फूड क्या हो जाता है, फूड में स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, मेथड्स टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। जैसे फर्स्ट मेथड क्या है कि हम जो भी चीज़ है, जो भी हमारे फूड आइटम्स हैं, उसको टाइट कंटेनर में रखें जहाँ पे एयर से उसका रिएक्शन ना हो सके। तो कीप फूड्स इन टाइट कंटेनर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं। तो यूज रेफ्रिजरेटर, कीप फूड्स इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो ये सब है जो रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, दैट इज़ द रेंसिडिटी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।